नमस्कार, मैं जिगिसा जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम मेथी मसाला भाखरी बनाएंगे। ये भाखरी ऊपर से करारी और अंदर से सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। इस भाखरी को आप छुंदा या मीठा अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं या डिनर में भी आप इसे ले सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बड़ी परात में 2 बड़े कप भर के मैंने गेहूँ का मोटा पिसा हुआ आटा लिया है। इस आटे के अंदर मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया और जीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जितनी कसूरी मेथी को 2 हाथ से मसल के डाल दूंगी। अब हम इसके अंदर मोयन में ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। 3 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल डालूंगी, आप घी को गरम करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद सारी सामग्री को हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। आटे के कण कण में ऑयल का मोयन लग जाना चाहिए, तब जाके हमारी भाखरी ऊपर से करारी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हमें इसका आटा गूंथना होगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम जरूर मोजब पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाएंगे। पानी हम नॉर्मल ही यूज़ करेंगे, टैप वाटर। रोटी से थोड़ा टाइट आटा हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आटा लगा दिया है। तो रोटी से थोड़ा टाइट मैंने आटा गूंथा है। अब हम इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। पाँच से सात मिनट के बाद हम भाखरी बेलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फिर से थोड़ा सानूंगी, तो ऑयल हम थोड़ा डालेंगे, 2-3 ड्रॉप जितना ही। इसके बाद हम इसको थोड़ा मसलेंगे। इसके बाद मैं इसकी लुई बनाऊंगी। तो लुई आप छोटी या मोटी आपकी चॉइस के अनुसार बनाएं। यहाँ पर मैं छोटी छोटी भाखरी बनाऊंगी, तो मैं छोटी लुई तैयार करूंगी। तो इस तरह से हम सारी लुई तैयार करेंगे। एक लुई से हम भाखरी बेलेंगे और बाकी का जो आटा और लुई है उसको हम ढक के रख देंगे ताकि ये सूख ना जाए। तो इसको ढक देंगे और साइड में कर देंगे। अब चकला और बेलन लेंगे और भाखरे बेलना स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड तवा भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इस भाखरी को बेलने में हमें सूखे आटे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं बिना सूखे आटे और ऑयल के बिना भी ये भाखरी अच्छे से बेल जाती है। तो इतनी थिकनेस हम रखेंगे, एकदम पतली नहीं बनानी है और ना ही एकदम मोटी, बस इतनी ही थिकनेस हम रखेंगे।
तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसके ऊपर हम भाकरी रख देंगे। नीचे से थोड़ी सेक जाए इसके बाद हम इसको पलटाएंगे, तब तक दूसरी भाकरी हम बना के तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे से ये थोड़ी सेक गई तो मैंने इसको पलटा दिया है। अब हल्का सा इसके ऊपर तेल लगाएंगे, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हम चम्मच से दबा दबा के इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, दूसरी साइड भी थोड़ा लगाएंगे और चम्मच से इसको इस तरह से दबा दबा के सेकनी है ताकि अंदर तक अच्छे से सेक जाए। और फ्रेंड्स गैस की आँच हमें मीडियम रखनी है, ऐसा नहीं है एकदम फास्ट गैस नहीं रखना है, वरना ये ऊपर से जल सकती है और अंदर से थोड़ा कच्चापन रह जाता है। तो मीडियम आंच पर इसको दबा दबा के अच्छे से सेकना है, इसको गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें दोनों साइड से सेकना है। ब्लैक कलर देखने में अच्छा नहीं लगता है और गोल्डन कलर इसका आ जाए तब तक हम सेकेंगे। तो इसी तरह से हम सारी भाखरी सेक देंगे, एक साइड बनाते जाएंगे और दूसरी साइड हम इसे सेकते जाएंगे। इस भाकरी को आप 2 दिन तक टूर में भी ले जा सकते हैं, इसको स्टोर करके 2 दिन रख सकते हैं, लंच बॉक्स में भी आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। छुंदा और मसाला भाकरी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आप इस हेल्थी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।